सर्व जीवों के कल्याणकारी कर्मों में आपका योगदान प्रतिफल बना रहो। धर्म और संसार दोनों क्षेत्रों में आपके द्वारा सदा सर्वश्रेष्ठ कर्म किए। सर्व जीवों के कल्याणकारी कर्मों में आपका योगदान प्रतिफल बना रहो। धर्म और संसार दोनों क्षेत्रों में आपके द्वारा सदा सर्वश्रेष्ठ कर्म होते रहो। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्व जीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे, इस सुभाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, दिव्य वाणी के श्रवण की प्रक्रिया की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय नटराजपुरम खेड़ ब्रह्मा गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को पराशक्ति से परिचित करना, परम शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी
परम संपदा से परिचित करना जो उसकी अपनी है। प्रातःकाल का स्मरण, नया दिन, नया सूर्य, नया जीवन प्रारंभ, क्या असत्य है क्या सत्य है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, वस्त्र, गाड़ी, बंगला, फ्लैट, फार्म, फार्म हाउस, लौकिक संपत्ति, बहिर जगत की लौकिक संपत्ति, जिसका साथ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु तक। शरीर, शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन, शरीर के साथ जुड़ी हुई अपेक्षा, शरीर के साथ जुड़े हुए भाव और शरीर के साथ जुड़ी हुई आत्मा, इसके साथ ये संपत्ति का संबंध है। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता, ये सारे जो भाव है ये दिखाते हैं हमारे जीवन का संबंध असत्य के साथ है। असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है उसके साथ हमारे जीव ने संबंध बना लिया। हमने ऐसा समझा कि ये सत्य है, और परिणाम कैसे पता चलेगा तुम्हें कि ये सत्य है कि असत्य है? जिसके साथ तुमने संबंध जोड़ा है वो सत्य है कि असत्य है, ये पता कैसे चलेगा? तुम्हारे जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, ये परिणाम। असत्य के साथ तुमने अगर संबंध जोड़ा है तो ये इसका परिणाम है, परिणाम आएगा। शरीर असत्य नहीं, शरीर को इस तरह से समझो, शरीर साधन है, शरीर साधन, साधन का उपयोग करना है, साधन का। और भारत की संस्कृति ने जो खोजा, जहां पर तुमने जन्म लिया वही दिखा रहा है। अलौकिक आत्माएं हो आप सब, फंस गए हो, कुछ भूल गए हो, कुछ चूक गए हो, फिर से स्मरण आ जाएगा तुम क्या भूले थे, कहाँ चुके थे, और तुम्हारी जीवन की यात्रा आगे। भारत में शरीर को साधन कहा, असत्य भी नहीं, असत्य शब्द मत जोड़ना। धर्म का अर्थ है मार्गदर्शन, जीवन जीने का मार्गदर्शन, हर परिस्थिति में हम किस तरह से बेहतरीन स्वाद ले सकते हैं जीवन का। जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं, जीते जाते हैं, और बेस्वाद लगता है, बोझिल लगता है, उबजनक लगता है, समझो कुछ गलती हो रही है, गलत मार्ग पर तुम जा रहे हो, कहीं कुछ गलती हो रही है। शरीर को समझना है साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसका अर्थ है शरीर एक माध्यम अर्थात साधन, जिसका योग्य उपयोग करना है। योग्य उपयोग का अर्थ है जब तक शरीर तुम्हारे पास है परमात्मा को जान लो। विदाउट बॉडी यू कैन नॉट गेन परमात्मा, परमात्मा के साथ तुम्हें एक होना है, परमात्मा को तुम्हें जानना है, पराशक्ति उसे कहो, उसकी शक्ति को तुम्हें जानना है, उसकी शक्ति को तुम्हें समझना है, अपनी आत्मा को जानना है, अपनी आत्मा को समझना है, जीवन के रहस्य को समझना है, तो विदाउट बॉडी इट इज इम्पॉसिबल। और बॉडी इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट, शरीर से ऊपर तुम हजार वैज्ञानिक, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सब गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी को पूरा एक देश दे दो, सुबह से शाम तुम करो प्रयोग,
खोजो, और जो शरीर हमें मिला है मैं तुमसे ही पूछूंगा कितनी कीमत है। तुम्हारा विश्वास होगा, तुम्हारी बैंक बैलेंस, तुम्हारे प्लॉट, तुम्हारे बंगला, नंबर ऑफ द कार्स, और फिर भी जीवन में निश्चिंतता नहीं। तुम पूछो अपने से तुम्हारी कितनी संपत्ति है तुम्हारे पास। हर एक अपने को पूछो, मुझे तो पता ही है इस जगत के हर एक मनुष्य के पास कितनी संपत्ति है, आगे कितनी संपत्ति इकट्ठी करने का प्लानिंग चल रहा है। सब कुछ यहां बैठे बैठे मैं प्राप्त कर सकता हूं माइती, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। तुमने अपने को जाना, समझा, तुमने सब समझ लिया। तुम्हारी समझ के लिए मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम्हारी संपत्ति कितनी तुम्हारे पास? चलो मैं बोलता हूं, रुपया तुम भीतर से कह देना कि अपने को ही कहना है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जवेरात, वस्त्र, गाड़ी, बंगला, प्लॉट, फ्लैट, फार्म हाउस, फार्म, संपत्ति। अब हम आगे चलते हैं, ये लौकिक संपत्ति, बहिर जगत की संपत्ति। अब अंतर जगत की संपत्ति, संपदा, परम संपदा, जो आपकी अपनी, हर मनुष्य के पास ये संपदा है। हर मनुष्य के पास परमात्मा खुद बैठा हुआ है, निज मंदिर में, हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। अब अंदर की संपदा, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, शांति, संतोष, स्वास्थ्य, स्वीकार, सरलता, सहजता, मौलिकता, निर्भयता, उदारता, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, समझ, जागृति, ये भीतर की संपदा जो हरेक के पास है। ये जीवन इसलिए बेस्वाद है कि हमें लगता है बाहर बाहर ही है ये जीवन, बाहर बाहर ही है ये जीवन, बाहर बाहर नहीं है ये जीवन। जितना भीतर है इसकी जितनी गहराई और ऊंचाई है, बाहर कुछ भी नहीं। इसको तुम्हें समझना है तो इस तरह से समझना है, समुद्र तुम्हें बाहर से दिखता है इतना नहीं, तुम्हें कितना विराट समुद्र दिखता है तुम्हारी आंखों से, लेकिन इतना मात्र समुद्र तुमने मान लिया तो तुमने अभी देखा नहीं, अज्ञान है जीवन का। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जीवन का अज्ञान। जीवन की जो समझ है वो अभी ठीक नहीं, जीवन कैसे जीना है वो अभी मार्गदर्शन हमें ठीक से मिला नहीं, इसलिए हमारा जीवन बेस्वाद हो गया। केवल सैद्धांतिक बात, प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजियन इज नॉट द मार्ग, नॉट द पाथ। विज्ञान क्यों आगे निकल गया? विज्ञान धर्म से अनेक कदम आगे है आज, अनेक कदम, धर्म नहीं हुआ। चाहे इतने बड़े बड़े नाम हो धर्मों के, मैं एक भी धर्म से तुम मुझे पूछो मैं राजी नहीं, परिणाम कुछ भी नहीं। धर्मों के परिणाम जितने आने चाहिए, जितने धर्मों की संख्या है, संप्रदायों की संख्या है, गुरुओं की संख्या है, इस तरह का परिणाम पृथ्वी पर नहीं है। तुम विज्ञान देखो कितना आगे हम कितना उपयोग कर सकते हैं। आज मैं यहां बोल रहा हूं, गुजरात के एक छोटे से गांव के अंदर, जंगल के अंदर मैं बोल रहा हूं, और नॉर्वे में मुझे कुछ कोई सुन सकता है। और धर्म इस तरह का विज्ञान है, इतना रहस्यमय। समझ लो कि आज नॉर्वे में एक व्यक्ति बैठा है, उससे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो दुख में है, पीड़ा में है, संताप में है, भय है, चिंता है, फ्रस्ट्रेशन चल रहा है,
आत्महत्या करने की सोच रहा है कि अब मर ही जाए, कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो मेरी भाषा भी नहीं समझता, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखोगे आप आगे ऐसे रहस्य, वो मेरी भाषा नहीं समझ रहा है, फिर भी उसने खाली मेरा चेहरा देखा, चेहरा मुझे बोलते देखा, जो मैं बोलने जा रहा हूं तुम उसका तात्पर्य समझना, क्या भाव है मेरा। मेरा ये भाव है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काट दे, क्या मैं तुम्हारे में वैर जैर फैलाने के लिए हूं, क्या मैं तुम्हें अज्ञान बांट रहा हूं, क्या मैं तुम्हें अस्वास्थ्य की समझ दे रहा हूं, क्या मैं यहां ड्रग्स बेच रहा हूं, क्या मैं यहां तमाकू शराब जो मानव विकास के लिए अत्यंत हानिकारक है, मैं तुम्हें विज्ञान समझाता जाऊंगा। आज जो इस पृथ्वी पर मानसिक असंतुलित वाले बच्चे है, जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, स्पीच ठीक नहीं, जन्म लेता है बच्चा बोल नहीं सकता, ऐसे मानसिक रोग अस्वस्थ मन जिसका ठीक नहीं, ना वो बोल सकता है ठीक से, देख सकता है, चल सकता है, ये जो मानसिक अस्वस्थता के परिणाम है इसका संबंध है नशा, जीवन भर नशा किया नशा। तुम्हारा जो ब्रेन है उसके संतुलित करने वाले केंद्र है, क्यों मैं इसके खिलाफ हूं, आई एम अगेंस्ट नशा, मैं शराब के पक्ष में नहीं, ना मैं तमाकू के पक्ष में, गांजा चरस मैं इसके पक्ष में नहीं, लेकिन जिस मनुष्य को इससे ऊपर उठना है, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, उड़ीसा के नवयुवान जब मेरे पास आए यहाँ, उन लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया, मुझे पता है, मैं गांव में गया, भाटली गांव है, छोटा सा गांव, वहां मुझे आमंत्रण मिला, मैं चला गया अपने शिष्यों के साथ, मैंने देखा वहां लोग शराब भी बहुत पीते हैं और मांसाहार भी बहुत करते, बहुत मांसाहार। मैंने कहा, मुझे लगा कि एक व्यक्ति भी मांसाहार और शराब से अगर ऊपर उठ सकता है तो मैं मुझे मेरी धन्यता मानूंगा, मेरा जीवन पूरा होगा, तो मुझे लगेगा चलो एक व्यक्ति को तो मैंने बाहर निकाल दिया इसमें से। और बहुत तेजस्वी युवान, तेजस्वी एक युवान मुझे पूछने आया, आ रहा है अभी 6 तारीख को, इसको नाम मैंने दिया पीताम्बर, विष्णु और कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ ये नाम, पित अर्थात पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, विष्णु और कृष्ण पित रंग के वस्त्र पहनते थे, पीताम्बरम, ये नामों की रक्षा करनी है, इसका बहुत, मैं तुम्हें दिव्य वाणी की समझ दे रहा हूं, दिव्य साहित्य, दिव्य साहित्य, इस तरह का प्रयोग। जिस दिन तुम्हारी प्रज्ञा जागती है, जिस दिन तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागती है, ऊपर उठती है, शक्ति ऊपर उठती है, काम केंद्र को छोड़ के, नाभि केंद्र को छोड़ के, भूख प्यास और काम वासना से जब तुम्हारा जीव ऊपर उठता है, तुम अश्लील साहित्य में तुम्हारा कोई रस नहीं पड़ेगा। ऐसा साहित्य हो जो काम वासना को भड़का रहा है, अप्राकृतिक, तुम्हें कोई रस नहीं पड़ेगा, मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं, तुम भी करो, मेरी बात को सच मत मानना, लेकिन जैसे तुम्हारी शक्ति ऊपर उठती है, न ऐसे साहित्य में तुम्हें रस पड़ेगा, न रैप सॉन्ग, हिप हॉप, वेस्टर्न म्यूजिक में तुम्हें रस पड़ना असंभव, असंभव। ऊपर उठने लगी तुम्हारी चेतना, ऊपर उठने लगी, मॉडर्न आर्ट जरा भी रस नहीं पड़ेगा, जरा भी रस। ऊपर कोटि का, ऊपर के कोटि का साहित्य है, समझ लो कि भगवत गीता पढ़ी है, तुम रूम में अकेले हो और इसी तरह से देखना है अपने को, इसी तरह से देखना है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से परिचित कर रहा हूं, तुम कहां हो, मैं कहां हूं, मुझे जानना है,
तुम कहाँ हो, तुम्हें जानना है। मुखोटा नहीं है धर्म, कोई मुखोटा नहीं है। मैं तुम्हारे आगे कुछ एक हूं, बंद रूम में कुछ एक हूं, मेरा अंगत जीवन कुछ एक है, ये धर्म नहीं। धर्म को ठीक से समझो। धर्म करप्शन इसलिए है धर्म में कि जागा हुआ इंसान नहीं है इस पृथ्वी पर। जिस दिन इंसान जागने को तैयार हो जाएगा, धर्म का मार्गदर्शन ठीक से समझना शुरू करेगा मनुष्य, ये पृथ्वी कुछ अलग ही होगी, धर्म कुछ अलग ही होगा। धर्म के नाम पर करप्शन तुम कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी शक्ति त्रिनेत्र पर स्थिर हो गई, तुम्हारी शक्ति अगर ऊपर उठ गई, तो तुम पसंद नहीं कर सकते अश्लील साहित्य। समझ लो तुम रूम में हो और एक अश्लील मैगजीन पड़ा है जिसमें स्त्रियों के नग्न चित्र, फोटोग्राफ, काम वासना, क्रीड़ा, काम क्रीड़ा के फोटोग्राफ्स है इसमें, और भगवत गीता पढ़ी है। मैं तुम्हें मेरे अनुभव से कहता हूं, तुम्हें वो मैगजीन उठाने की इच्छा नहीं होगी। तुम्हें ऐसा होगा, चलो देखे तो सही कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है कृष्ण को। शिव सूत्र पढ़ा है, तुम शिव सूत्र लोगे कि चलो देखे तो सही शिव ने क्या सूत्र दिया पार्वती को, अपनी शिष्या को शिव क्या समझा रहे, शंकर क्या समझा रहे। तुम्हारी जिज्ञासा होगी ऊर्ध्वगामी दिशा में, ऊपर की दिशा में। एक युवान मुझे पूछने आया जिसका नाम मैंने दिया पीताम्बर, इंजीनियर का स्टूडेंट था। वो मुझे पूछ रहा है कि गुरु जी, सब मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, क्यों छोड़नी जरूरी है। मैंने उसे इतना ही कहा, मैंने कहा देख बेटा, तू मेरे पास नहीं आता, मैं आता तेरे घर, मैं देखता कि तेरी तैयारी है ऊपर उठने की, तो मैं जरूर तुझे कहता कि अब तू इससे आगे बढ़। अपने जीभ के स्वाद के लिए मात्र किसी जीव की हिंसा संपूर्ण अवैज्ञानिक, संपूर्ण अमानवीय। तुम एक चींटी को भी नहीं मार सकते हो। जब तक तुम एक चींटी बना नहीं सकते, तब तक तुम एक चींटी को मार नहीं सकते। तुमने किसे अधिकार दिया तुम समझो? यहां कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन यहां शिक्षा है, तुम बच नहीं पाओगे। तुमने एक चींटी को भी मारा है तो इसका हिसाब है, कहीं नहीं और कहीं नहीं। डिपार्टमेंट इज विद इन यू, हमारे सबके भीतर। मैंने जो पाप किया है जन्म से लेकर आज तक, जहां से मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई और आज तक, जो भी पाप किया है उसका सारा हिसाब मेरे भीतर है। मुझे पता है मेरे भीतर मैंने क्या क्या गलत किया, ये सबको जानना है। मैंने उस युवान को कहा, बेटा तू ये प्रश्न मुझे पूछ रहा है इसलिए तुझे अब शराब से ऊपर उठना है, तेरी प्रज्ञा जाग गई। नहीं तो तू इतना पूछ, इतना गांव है, बड़ा गांव है, कहां लोग आ रहे हैं मेरे पास? बुजुर्ग लोग अभी डूबे हुए हैं शराब में और मांस में, इसमें से किसी की चेतना जागी और मुझे पूछने आया कि चलो एक गुरुजी आ रहा है, वो है क्या, असली गुरुजी है या नकली गुरुजी है? अब तो वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा हो गया ऐसा कि गुरु असली है ठीक ठाक, और देखना ही है। मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, जीवन की समझ, अर्थात तीन आंखों के साथ जीना, दो आंखों से बहिर जगत का संपर्क, तीसरी आंख से भीतर के जगत का संपर्क। तुम्हें जागना है। संसार कैसे चल रहा है, धर्म के नाम पर क्या धतिंग हो रहा है, इसके लिए हम सब जिम्मेवार है, हम सब। आज एक हत्या होती है कहीं, तुम ये मानते हो कि ये हत्या तो इंग्लैंड में हो गई, हमें क्या इससे। अब समझो ये हत्या तुम्हारे घर में होगी तब। हम मनुष्य का दुख इसलिए इस तरह से लेते हैं कि एक मनुष्य पर दुख है तो हमें लगता है इसमें क्या, ये तो इसके ऊपर है, हमारे पड़ोस के घर में है। तुम ये समझते हो कि ये दुख तुम्हारे पर नहीं आ सकता। तुम्हारा जो दुख है क्या मेरे पर नहीं आ सकता? मेरा जो दुख है क्या तुम्हारे पर नहीं आ सकता? तो ये जीवन की समझ है। और आप वो हो, आप वो।
अगर विज्ञान प्रगति कर सकता है, अगर विज्ञान के नाम पर हम स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, तो धर्म के नाम पर हम दिव्य जगत नहीं बना सकते। ये समझदार मनुष्य को जो धर्म में रस ले रहे हैं उसे मैं पूछूंगा, समझदार लोगों से, क्या हम दिव्य जगत नहीं बना सकते? इसी जगत में दिव्य जगत नहीं हो सकता? दिव्य जगत, दिव्य जगत का अर्थ क्या है? जिसे मैं कहता हूं दिव्य साम्राज्य, मैं देख रहा हूं कि ये हो सकता है। स्मार्ट सिटी बनता है इसमें तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ना ये अशक्य, अशक्य है, स्मार्ट सिटी हो गए हमारा, चलो स्मार्ट सिटी इतने है जगत में, इससे तुम्हारा कितना दुख कम हुआ, कितनी पीड़ा कम हुई, कितना संताप कम हुआ, कितने तुम भय रहित हुए, कितने तुम चिंता रहित हुए, कितनी निश्चिंतता है तुम्हारे हृदय में आज, कितना सुकून, कितनी समझ, कितना ज्ञान, भविष्य के लिए कितनी सुनिश्चितता है तुम्हारे हृदय में। इतने स्मार्ट सिटी है, चलो जगत में स्मार्ट सिटी की कोई कमी नहीं, पूरा जगत जा रहा है ब्लाइंड रनिंग, अंधों की, जैसे एक गेटे के पीछे 100 गेटे चले जाते हैं। देखो तुम्हारा जीवन, तुम्हें समझना है। मैं नहीं कहता कि तुम मुझे मानो ही, तुम अपने जीवन से नक्की करो कि ये जो बात है ये ठीक है या गलत है। दिव्य साम्राज्य होगा तो कैसा होगा? चलो दिव्य साम्राज्य, मैं छोटी सी बात करूं, दिव्य साम्राज्य का अगर न्यूज़पेपर होगा तो कैसा होगा? दिव्य साम्राज्य की न्यूज चैनल होगी तो कैसी होगी? चलो मैं समाचार पढ़ के बताता हूं। कल के दिन वैश्विक परिवार के साथ जुड़ा हुआ एक कुटुंब, डॉक्टर चिंतन आर्य और आरती चिंतन आर्य की बेटी हृदया, छोटी सी बेटी बच्ची, नाक में मोती चला गया, उसके नाक में मोती चला गया, अंदर होता है, छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, मोती अंदर चला गया। उज्ज्वल आज, उज्ज्वल सुभाष चंद्र व्यास, द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, पूरा का पूरा बिल्डिंग, मार्गदर्शन इसका नहीं है, मार्गदर्शन मेरा, अहंकार, लेकिन बनाने वाला तेजस्वी युवान उज्ज्वल, उज्ज्वल सुभाष चंद्र व्यास, ये पूरा 3 मजले का बिल्डिंग उसने तैयार किया, सुबह शाम रात। मैं तो खाली बातें करूं सैद्धांतिक, मैं कहूं उज्ज्वल गरीब लोगों से 10 रुपये का 9 रुपया नहीं देना है, उसे छुट्टी देनी है, उसे नाश्ता देना है, क्योंकि जो गरीब लोग हमारा बिल्डिंग बनाएंगे उसी में हमें रहना है, उन लोगों का खून हम चूसेंगे तो इस बिल्डिंग में हम शांतिपूर्वक नहीं रह पाएंगे। मैं इसका आध्यात्मिक विज्ञान तुझे कहता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क उज्ज्वल को करना है। उज्ज्वल पूरा लगा रहा, पूरा लगा रहा, और विदाउट नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसके पास इंजीनियरिंग बी एमएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग का उसे ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत धगस काम करने की, गरीबों के लिए जो कुछ नया है। और मैंने तैयारी उसे ऐसा किया कि देख तुझे जब भी ऊब लगे, तुझे लगे कि नहीं ये बात ठीक नहीं, मैं कह रहा हूं वो ठीक नहीं, कोई और गुरु के पास जाना है, तुझे मेरी पूरी स्वतंत्रता है, तू ऊपर उठे, ये खाली इसके लिए नहीं, आप सब के लिए, आप सब मेरे बच्चे हो। और जो बाप का दृष्टि होती है बच्चे को ऊपर उठाना, चाहे यहां से मार्गदर्शन ले, चाहे इस ट्यूशन क्लास में जाए, चाहे उस ट्यूशन क्लास में जाए, ये कोई मेन बात नहीं है, जीवन ऊपर उठना चाहिए। ये युवान कल, ये युगल, यहां तो यहां चिंतन आर्य को लिए अनजान है इलाका, आरती के लिए भी अनजान है, तो उज्ज्वल लेकर गया, एक हॉस्पिटल में गया, वहाँ डॉक्टर एंगेज है, ऑपरेशन चल रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, दूसरी हॉस्पिटल, तीसरी हॉस्पिटल, जितनी हॉस्पिटल है प्रदक्षिणा की, अच्छी ही है, अच्छी बात,
क्योंकि चिंतन अगर यहाँ आने का सोचे तो उसे पूरा पता होना चाहिए खेड़ ब्रह्मा में कौन सा डॉक्टर कहाँ रहता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन कहाँ है, सबके साथ पर्सनल रिलेशन होना चाहिए, पॉलिटिशियन के साथ भी होना चाहिए। कल यही हुआ, सब जगह उज्जवल घूमा और इसी परिवार से जुड़ा हुआ एक तेजस्वी युवक भारतीय जनता पक्ष कमल, खिला हुआ कमल, बहुत सुंदर निशान लिया है, पद्मनाभ, पद्म मतलब नाभि, पद्म मतलब कमल, नाभि में खिला हुआ कमल, विष्णु का प्रतीक कमल, पुराने देव देवियों के हाथ में कमल होगा जिसका अर्थ है आत्मा पूरी प्रकट हो गई। इस मूर्ति की आत्मा पूरी प्रकट हो गई, उसे मूर्ति कहा गया, मूर्ति अभी शरीर में है, उसकी आत्मा प्रकट हो गई, कमल, भारतीय जनता पक्ष और तेजस्वी युवक। उज्जवल ने फोन किया कि इस तरह से हुआ है, पॉलिटिशियन लेकिन तेजस्वी, उसे मैंने काम सौंपा है आदिवासियों के लिए, योगेश्वर का मंदिर मैं चाहता हूँ। मैंने उसे कड़ा पहनाया तो मैंने कहा गुरु ऐसे थोड़ा कड़ा पहनाता है, तुम गुरु के पास से कुछ काम करवाओ तो गुरु का भी काम होता है, वो तुम्हें करना पड़ता है। तो मैंने उसे काम सौंपा है, देखते हैं। अब दो दिन हुआ योगेश्वर टेम्पल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिजेश के कान में बात जाएगी, करवाऊंगा ही, पॉलिटिशियन से काम कैसे लेना है, मैं गुरु और मैं तुम्हें वर्सेटाइल बनाना चाहता हूं, धर्म वर्सेटाइल, जीवन सर्वांगी, पारंगत, पॉलिटिक्स में भी पारंगत, धर्म में भी पारंगत। धर्म में पारंगत का अर्थ है सर्व दिशाओं में पारंगत। उस युवान ने अद्भुत काम किया। जो माँ बाप रह चुके हैं उसे पता है कि एक बेटी के साथ जब ऐसा होता है कि नाक में मोती चला गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या परिणाम आएगा इसका, चिंता में तो हर कोई आ जाता है। लेकिन देखो दोनों जैसे उज्जवल मदद के लिए तैयार। जब वो अटका, जब तक वो उससे काम होता था, कैसे काम करना है जीवन में, जब तक उससे काम हो रहा है, उसने ब्रिजेश को फोन नहीं किया कि चलो मुझसे ही हो जाता है तो मैं ही कर देता हूं, तब तक उसने किया। जहां वो अटका तो ब्रिजेश उसका मित्र भी, मेरा शिष्य भी, यहां जुड़ा हुआ और मैंने देख रहा हूं जब से वो मेरे संपर्क में आया, जो भी काम बताओ तैयार। वो आया और उसने, उसके बहुत लोगों के साथ, सर्जन के साथ, डॉक्टरों के साथ मित्रता है, उसने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया और ये जो बच्ची थी नाक में मोती चला गया था, मोती निकाल लिया। ये प्रथम समाचार मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्योंकि मेरा एक शिष्य कच्छ में है, मैं उसे मार्गदर्शित कर रहा हूं, नाम ही मुझे बहुत प्रिय, जब से वो मेरे संपर्क में आया नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जयमल सिंह जाड़ेजा। बहुत तेजस्वी युवान, बहुत, जब मैं कच्छ में था उसने मेरा आर्टिकल दिया, अभी तो वो नया नया गया था, मुझे पता नहीं है वो कौन सा न्यूज़पेपर था, लेकिन नया नया खुला था न्यूज़पेपर, उसमें उसने मेरा आर्टिकल दिया, मेरी इतनी बड़ी फोटो और पूरे न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल, उसने उसका टाइटल दिया भविष्य के बुद्ध पुरुष कैसे होंगे, अर्थात आप समझ सकते हो कि ये शेर है। वीर, वीरता, इसका संबंध गिरनार से है। जब उसे स्मरण में आएगा अपना पिछला जन्म, आएगा, जो जन्म में विश्वास कर रहे हैं, जन्म मृत्यु में विश्वास कर रहे हैं, पिछले जन्मों में विश्वास कर रहे हैं, मैं जयमल सिंह को कहता हूं तेरा संबंध गिरनार से है, अगर हम बना पाए शेरों का क्षेत्र तो मैं तुझे लेकर जाऊंगा, लेकिन पत्नी को चिंता करने की जरूरत नहीं, इस तरह से मैं नहीं ले जाऊंगा, बाल बच्चे को छोड़कर अगर कोई भागा होगा तो भी उसे घर में घुसेड़ दूंगा, या उसे लेकर आओ या जाओ। मैं जयमल सिंह को कहता हूं कि क्या हम इस तरह के न्यूज नहीं दे सकते, मैं तुझे कह रहा हूं चल, तुझे कौन सा न्यूज देना है, चैनल पर इंटरव्यू लो, मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं, मैं तुम्हें नाम दे रहा हूं,
हरेश भगवान लाल व्यास और मैत्री हरेश व्यास, 8C शक्ति नगर भुज कच्छ, पर्दापीठ हनुमान के पास कॉलोनी, आप इंटरव्यू लो और आशापुरा चैनल में इंटरव्यू प्रकट करो। आप प्रश्न पूछो, क्या प्रश्न पूछना है ये भी मैं कहूं। इसका कारण है हरेश भगवान लाल व्यास मेरा बनोवी, वो अपनी पत्नी की सेवा किस तरह से कर रहा है, कितने समय से कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो चाहता तो वो दूसरी शादी कर सकता है स्त्री को छोड़कर, उसकी जो पत्नी है वो मेरी बहन है, छोटी बहन। मैंने अनेक बार ट्राई की, हरेश को झगड़े होते थे, एक बार दोनों को छुट्टा कर दिया, हरेश को पता है पूछना, दोनों को छुट्टा ही कर दिया, दोनों घर मेरे दुश्मन, हमारे घर वाले भी दुश्मन किए, तू क्या कर रहा है, अपनी बहन का रिश्ता तोड़ रहा है और उसकी बेटी मैत्री जिसका मैंने नाम दिया विश्व मैत्री, मैत्री मुझे छोटा नाम लगा, जो उसकी व्यक्तित्व है हरेक के प्रति प्रेम में, सबको मदद करने के लिए तैयार, आज अपनी माँ के लिए, आप सब देख रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं कहता हूं वास्तविक जीवन में तुम ब्राइट व्यक्तित्व खोजो, समझदार व्यक्तित्व, जो जीवन जी रहे हैं उसको महत्व दो। एक पति अपनी पत्नी की सेवा किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुम पूछो उसे, उसे क्या क्या मुसीबत होती है। एक बेटी जो अपनी माँ की सेवा कर रही है, उसके लिए मैंने बहुत से ऐसे रिश्ते सोधे जो अमेरिका में थे, उसने कहा ना मैं मेरी माँ को इस तरह से तो न छोड़ू, जो ऐसा लड़का मिले कि मैं उसका घर संभालू तो वो मेरा घर भी संभाल दे, मुझे मेरी बेटी की चिंता है। मैत्री हरेश व्यास वो खाली हरेश की बेटी नहीं, वो मेरी बेटी है, विश्व मैत्री, मैं उसके लिए ब्राइट कुटुंब की खोज में हूं। चाहे गरीब हो, गरीब से कोई लेना देना नहीं, दरिद्र नहीं होना चाहिए, दरिद्र, गरीब अमीर होता है, अमीर गरीब होता है। मैं तो आज तक अभी एक अमीर नहीं मिला मुझे, अभी पैसों के पीछे ही लगे हुए हैं, तिजोरी भरो भरो भरो, डायरिया हो गया, पैसे को डायरिया, तिजोरी से बाहर आ रहे हैं रुपये, बाहर आ रहे हैं हीराक मोने माणिक मोती, बाहर डायरिया, संपत्ति का डायरिया, फिर भी भरे ही जा रहे हैं, भरे ही जा। मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं, धन कोई कमा रहा है इसमें कोई बड़ा कौशल्य नहीं है, इंप्रेस मत होना। धन का उपयोग क्या है, चिंतू के पास अगर जमीन है तो जमीन का उपयोग क्या है, मेरे घर से ही शुरू करूं, मैं बाहर से क्यों, चिंतू मेरा भांजा। आरती के पास अगर संपत्ति है तो आरती संपत्ति का कर क्या रही है, मैं खोल ही दूंगा तुम्हारी आंख, तुम इससे इंप्रेस मत होना कि ये अब्जो पति है, तुम उस पर जरा दूरबीन लगाओ, अबज रुपये का हो क्या रहा है, ये समझ। मैं जयमल सिंह को कहूंगा कि बेटा तू मुझे गुरु मान रहा है तो मैं तुझे काम सौंप रहा हूं, इंटरव्यू लो और प्रकट करो, आशापुरा चैनल में प्रकट करो, इंटरव्यू लो कि एक पति अपनी पत्नी की इतनी सेवा हर पल की, ये अब उषा की स्थिति ऐसी है एक क्षण उसे छोड़ा नहीं जा सकता, एक क्षण। मैत्री छोड़े तो हरेश उसका ध्यान रखे, हरेश छोड़े तो मैत्री उसका ध्यान रखे, तो क्या हम प्राउड नहीं ले सकते, ये हमारी ज्ञाति के ही नहीं, मनुष्य नहीं है हरेश, मैं भी मनुष्य, हरेश भी मनुष्य, ये दिव्य चेतना नहीं है, इसकी कुंडलिनी शक्ति के बारे में तुम क्या कहोगे, सोई हुई है, अभी उसे कुछ हिमालय में जाना होगा, गुफा में बैठ के ध्यान करना पड़ेगा, पूजा प्रार्थना की विधि करनी पड़ेगी। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, जो युवक युवती शादी करने जा रहे हैं उसे बताओ कि ये स्थिति आ रही है, खाली रोमांटिक रोमांटिक मत बनना, ये खाली फिल्मी गाने नहीं है जीवन, कि एक लड़की तुमने देखी उसके साथ तुम क्लब में गए, दो पग इधर ऊंचे किए, दो पग इधर ऊंचे किए, ये जीवन नहीं है। शादी होगी तब पता चलेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, करियाना लेने जाना पड़ेगा, जिसने शादी किए है सब पता है। बिलों के थप्पे पड़े होते हैं घर में, बिलों के, एक बिल हटाओ दूसरा आया, इलेक्ट्रिक का भरो तीसरा आया, पानी का भरो चौथा आया, मैंने भी चलाया है, इस पर ध्यान दो। कि
युवक युवती देखे अपनी आंखों से ऐसा आदर्श युगल, ऐसा आदर्श युगल, ये आदर्श युगल। देखो पति को कितना प्रेम होगा पत्नी पर। मैंने दोनों को अलग किया था, मुझे पता था ये अलग होने वाले नहीं। हरेश बैंक से आता था, ग्रामीण बैंक, उसने ही मुझे घर दिलवाया था। तुम देखो मजाक की बात, उसने मुझे रमेश भाई मेहता का घर दिलवाया था, निर्मल सिंह जी की वाड़ी, उसकी हेल्प से तो मुझे घर मिला। मैं, मेरा भाई रश्मीन, मेरी बहन बानु, मेरी माँ, हम चारों रहते थे, हम ट्यूशन करते थे। मैंने दोनों को अलग कर दिया। अब हरेश तो मैत्री का जो चेहरा न देखे, एक बाप को पता है बेटी के साथ बाप का बहुत प्रेम होता है और माँ का बेटे के साथ, मैंने देखा है आज तक ऐसा देखा है, माँ का सहज प्रेम होता है बेटे के प्रति। ऐसा नहीं कि माँ का बेटी के प्रति प्रेम नहीं होता, लेकिन होता है। ये हरेश अपना स्कूटर लेकर बैंक से आए, वो खड़ा है कि मैत्री को लेकर अभी गुरुजी निकलेंगे चलने के लिए, क्योंकि हमारा शाम का रूटीन था, मैं, रश्मीन, माँ, भानु, उषा, हम इतने घर के और बाकी और लोग जो हमसे जुड़े, इसमें राम, श्री राम भी आ जाता था, चंद्रिका भी आ जाती थी, सबको लेकर मैं घूमने जाता था चलने, इवनिंग वॉक। वो उधर खड़ा रहे कि मेरी बेटी का खाली मैं मुंह देख लूं बस, वो ठीक तो है ना, उसे कोई जरूरत तो नहीं। ये बात, ये हरेश, तुम आज उसका जीवन देखो, पत्नी के प्रति उसे कितना प्रेम, बिना प्रेम ये संभव ही नहीं। और जिसके भीतर प्रेम है, प्रेम आत्मिक गुण, प्रेम नीव, धर्म की नीव प्रेम, आज कोई कमी नहीं, प्रेम की कोई कमी नहीं, समझदार इंसानों की कोई कमी नहीं। तुम प्रोत्साहित करो, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो। जयमल सिंह मेरी बात समझ जाएगा, ये नाम से मुझे प्रेम ही बहुत। मीरा का भाई, कृष्ण भक्त मीरा का छोटा भाई जयमल, ये समझ जाएंगे युवान में क्या कह रहा हूं। ऐसे लोगों के चरित्र को ऊपर लाओ जो वास्तविक जीवन में काम कर रहे हैं। शास्त्रों में हम पढ़ रहे हैं कि इसने इसको ये मदद की, इसने इसको ये मदद, ये कब तक काम आएगा? वास्तविक जीवन देखो, हमारा धर्म विज्ञान से मैं 100 कदम आगे ले जाना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दिव्य जगत होगा तो उसका समाचार पत्र कैसा होगा, टीवी चैनल पर किस तरह से समाचार पढ़े जाएंगे। तीसरा समाचार, वैश्विक परिवार से जुड़ा हुआ एक युगल सीता लुआणा, मिस्त्री का नाम पहले बोलूंगा, यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, नारी का आदर, जयंती भाई लुआणा, उसके पुत्र कुमार, पुत्र की पत्नी रिद्धि, जिसको मैंने कहा, जो अभी व्यवस्थापक है, दिव्य श्री महामृत्यु महामृत विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक है, क्या नाम है उसके गांव का, हाँ, गोधरा पंचमहल, ठीक है, गोधरा पंचमहल का जो विश्वविद्यालय, इसके व्यवस्थापक ये है, ये फैमिली है, उसने गाय ली मेरे मार्गदर्शन के अनुसार। और तुम वो विश्वविद्यालय को मानना ही मत कि ये विश्वविद्यालय ठीक है जिसमें गाय न हो, गाय न हो, बछड़ा न हो, नंदी न हो, तो उसको तुम मानना मत कि विश्वविद्यालय कोई व्यवस्थित व्यवस्थापकों के द्वारा चल रहा है। अर्थात परेश, इसने अभी गाय नहीं ली है, अर्थात धनवंतरी, अभी गाय नहीं ली है, समाचार नहीं आया, लेकिन जयंती ने गाय ले ली, गाय ने बछड़ा दिया, इसकी फोटोग्राफ तुम देखना, ये है अवेलेबल, गाय और बछड़ा, बछड़ा ने जन्म लिया, गाय का नाम मैंने दिया गंगा, नंदी का नाम मैंने दिया शाश्वत, लेकिन बछड़ी हुई उसका नाम मैंने नहीं दिया, इसका नाम इन लोगों ने रखा। जिस रात मैंने बागेश्वरी बजाया बांसुरी पर, उसी रात 12 बजे बछड़ी आई, उसका नाम उन लोगों ने रखा बागेश्वरी। वाह, अति सुंदर, अति वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं। जयमल सिंह, जयमल सिंह कॉन्टेक्ट करो, जो भी जुड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए हैं,
जो भी आएंगे मैं काम दूंगा। कैसे तुम जरा प्रकट करो, एक गाय अपनी बछड़ी को चाट रही है। सबको इच्छा होगी कि हमारे घर में एक गाय होनी चाहिए। ऐसा प्रेम का जो प्रतीक है माँ और बेटे के बीच, तुम मनुष्य में भी नहीं पाओगे वो दृश्य। चलो मैं तुम्हें कहता हूं, तुम गाय को ये चूकना मत, पृथ्वी को ऐसे ही मत छोड़ देना। तुम देखो एक गाय माता अपनी बछड़ी को किस तरह से संभाल रही है। अभी आगे कहता हूं, वहां जो नवयुवान है जिसका नाम अक्षय, नाम बहुत सुंदर अक्षय, लेकिन मैंने जगन्नाथ भगवान का नाम जीवंत रखने के लिए उसे जगन्नाथ नाम दिया है कि ये नाम अगर हम नहीं संभालेंगे सब मोनू टोनू स्वीटू मिंटू पिंटू किंटू में हो बदल जाएगा। पूरा नाम लो, पूरा नाम अरविंद कौर, सुरेंद्र सिंह की बीबी सिखनी अपना नाम रख रही है स्वीटी, आई ऑब्जेक्ट, मेरी शिष्या, प्रेम करती है मुझसे। चलो शिष्या नहीं तो भी मुझे, मेरे प्रति आदर है, मेरे लिए कपड़े भेजती है, रूपी अपने पति को कहती है कि कवर रखना, नहीं तो सुरेंद्र की हिम्मत है, ताकत है। अगर ये अरविंद कौर और माँ बाप भी उतने ही, सिख परिवार तुम जाके देखो, बसो उसके साथ, सिख के घर में रहकर तुम भूखे नहीं मर सकते। आज तक एक भी सिख इस पृथ्वी पर भूखा नहीं मरा, खाके मरते, खाके, वही है समझ है, समझ। मैं कहता हूं अरविंद कौर में क्या तेरा, तुझे शर्म होती है, स्वीटू स्वीटू करती है तू, अरविंद कौर, स्वीटू तो बहुत है इस जगत में, स्वीटू से तो भरे हुए हैं देश, अरविंद कौर से देश भरे हुए नहीं है, तुम समझो मुझे। अरविंद कौर, एक समय अरविंद का अर्थ है कवल, कमल नहीं, कमल का नाम है। एक समय ऐसा था जब दुश्मनों के बीच रहना था, अभी सामना हो रहा था, गुरु गोविंद सिंह सामना कर रहे थे मुगलों का। वो समय ऐसा था कि दुराचारी राजा, दुश्मन भी सदाचारी हो सकता है, दुश्मन अगर सच्चा वीर है, सच्चा वीर हर जगह होता है, दुश्मन में भी सच्चे वीर होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि दुश्मन में सच्चे वीर नहीं होते, सच्चे वीर की निशानी है वो स्त्री पर आक्रमण नहीं करेगा, मजबूर स्त्री की इज्जत नहीं लूटेगा, इज्जत पर हाथ नहीं डालेगा, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वीर होगा तो अपने दुश्मन की बीबी को बचाएगा। मैं आगे तुम्हें इसका रहस्य कहता हूं। एक शेर योनि से आया हुआ मनुष्य, जो शेर में तो वह हत्या कर देता है, खा जाता है, लेकिन प्रकृतिगत है, समझना इसे, शेर खुद नकी नहीं करता कि मुझे मांसाहार करना है, ये प्रकृति ने किया है काम, प्रकृति ने काम दिया है, लेकिन मनुष्य बनेगा गाय की रक्षा करेगा। तुम्हें अद्भुत लगेगी ये बात, शेर योनि से आया हुआ मनुष्य गाय की हत्या नहीं करेगा, वो ऐसी वीरता प्राप्त कर लेगा कि वो गाय की हत्या बचाएगा। इस तरह का विज्ञान है, मैं बताता हूं आगे। एक समय ऐसा था कि सिखों को आप देखोगे तो इस तरह के नाम होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्त्री है कि पुरुष है नाम से, क्योंकि अगर पता चल जाए बाहर के इसके घर लड़की पैदा हुई है तो ये उस समय में बहुत भयजनक था, बहुत भयजनक कि लड़की बड़ी हुई, सुंदरी होती है लड़की, माँ का रूप है, तेजस्वी होगी तो दुराचारी लोग उसे ले जा सकते हैं। इसलिए नाम ऐसे रखते थे सिख में, आज भी है ये प्रथा कि आपको पता नहीं चलेगा कि पुरुष है या स्त्री का नाम है, स्त्री का नाम तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मैं ऐसी बहादुर स्त्रियों से परिचित हूं, ऐसी बहादुर स्त्रियों से, और ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पढ़ा, सब पता चल जाता है, अंदर के क्षेत्र से पता चल जाता है। ऐसी स्त्रियां हुई बहादुर इस भूमि पर कि जिसे उठा के कोई ले गया उसका मृत्यु सुनिश्चित। सिखनी कटार रखती है अपने साथ, तुम देखोगे
ये अरविंद कौर है, इसको भी मैंने देखा, कटार होगी, सीखने के पास होगी, ये धर्म में दिया गया है और कुछ गलत भी नहीं। ये उस वक्त की समझ थी कि अगर इन लोगों को हिम्मत न दी जाए, सुरक्षा न दी जाए, किस तरह से दुश्मनों से सुरक्षा करनी है। गोविंद साहब भी मनुष्य के रूप में ही आए, भले भगवान थे लेकिन मनुष्य के रूप में ही आए। उसका भी निश्चित ही था कि इसके बाद मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन तब तक उसने तैयार कर दी, स्त्रियां को बहादुर बना दी। मैं कहता हूं अरविंद कौर ही कहो अपने को, सिख से तो डरता ही है, अगर सच्चा सिख हो वीर ही होगा, वीर स्त्री की लाज बचाएगा ही बचाएगा, देशद्रोही प्रवृत्ति के आगे पड़ेगा ही पड़ेगा, सच्चा सिख है, सच्चा वीर है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो वीर है, जो ड्रग्स की हेरफेर में, चाहे अब जो का क्यों नफा ना हो, वीर कभी ड्रग्स की हेरफेर कर नहीं सकता। वो कभी जो बच्चियों को उठाकर प्रोस्टिट्यूट बना रहे हैं, ऐसे धंधे कर रहे हैं लोग, बच्चों का मांस खा रहे हैं, विकृत लोग हैं, पिशाची आत्माएं हैं, ये सब पिशाची आत्माओं से मनुष्य गिरता जा रहा है। मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं, पिशाची आत्मा है क्या ये, अंडरवर्ल्ड, उसे इतना महत्व तुम क्यों देते हो, उसके समाचार को। मैं तुम्हें बताता हूं समाचार कैसे होने चाहिए। चलो तुम न्यूज़पेपर में पहला फोटो रखो कि एक गाय और एक बछड़ा, बछड़ा गाय का दूध पी रहा है और गाय उसे चाट रही है। कितनी स्त्रियां हैं भारत की, भाव से भरी हुई, भाव से भरी हुई, खाली दर्शन किया, स्त्री क्या पुरुष भी दर्शन किया ऐसा फोटो का, न्यूज़पेपर में ऐसा फोटो, विधायात्मक फोटो, फोटोग्राफ देखते ही तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा। हृदय अगर कोई दुश्मन भीतर से अमानवीय व्यवहार करने जा रहा है, किसी बच्चे को उठाने का प्लानिंग कर रहा है, किसी बच्ची को उठाने का प्लानिंग कर रहा है, और ये ऐसा फोटोग्राफ देख गया, उसका हृदय बदल जाएगा। ये दिव्य जगत का दूसरा समाचार, तीसरा समाचार, तीसरा कि गाय होनी चाहिए, गाय की सुरक्षा, पशु पंछी ऐसे ये विकसित होना चाहिए। मैं कहता हूं जिसके पास पैसा है उसे फार्म हाउस लेना ही है। अब किस तरह से जंगल को बचाना है, किस तरह से जंगल को, जिसके पास है पैसा उसे फार्म हाउस लेना ही है, और किस तरह से फार्म हाउस होना चाहिए, तुम आओ मेरे पास। ये भी फार्म हाउस ही था कभी, लेकिन अब नहीं, अब ये सर्व जीवों का कल्याण का क्षेत्र हो गया। कितना तुम्हारी जमीन में फूलों का बगीचा होना चाहिए, कितना योग स्वास्थ्य महापूजा के लिए कितना प्रांगण होना चाहिए जिसमें हम सब मिले, जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे टू यू करके 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 जीवन मत बिताओ। उस दिन तुम योगासन के लिए साथ में मिलो, साथ में एक्सरसाइज करो, मंत्र बोलो, प्रार्थना करो, इस तरह से अपने जन्मदिन को मनाओ। हिप्नोटाइज मत हो जाओ संस्कृतियों से। अच्छा गुण सबका लेना है, अच्छा गुण, जिस तरह से हंस के बारे में कहा जाता है कि हंस मोती चुनता है, हमें भी ऐसे ही जीना है। जिसका सद्गुण है, सद्गुण, चाहे राजू में एक सद्गुण है वो मुझे लेना है, चाहे धनजी में तो बहुत है सद्गुण, वो तो इतना मैं नहीं ले सकता, लेकिन लेना है जिसके पास। धर्म संघ, ये भारत ने दिया, धर्म संघ की खोज भारत की है कि एक गुरु, सद्गुरु जो सत्य की समझ दे रहा है मनुष्य को, उसके उसका एक कुटुंब है, उसका एक संघ है, तो धर्म संघ में एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति के पास से सीखना है। हरीश के पास से दूसरे दंपति को सीखना है कि देखो ये पति, हरीश को सीखना है कि अगर अलका को कुछ हो जाए, अलका भी बहुत बार मांदी पड़ती है, तो उसकी सेवा किस तरह से, वो भी इतना ही सेवा करता है। मैं वहां पर था, जगन्नाथ मैंने नाम दिया अक्षय को, वो बांसुरी बजाता है, बहुत सुंदर बांसुरी,
उसकी एक वीडियो है, मुझे महामृत्यु ने दिखाई, वो बछड़े पहली सुबह है इस पृथ्वी पर, पहली सुबह उस बछड़ी की जिसका नाम बागेश्री, ये जगन्नाथ उसके कान में बांसुरी बजा रहा है। इतना सुंदर दृश्य है और बछड़ा उसे चाट रहा है, उसके नजीक आ रहा है, वो बांसुरी बजाता बजाता उसके, ये जो दृश्य है, ऐसे दृश्यों से हमारी आंख भरेगी, दुर्गुण हमारे में प्रविष्ट होना मुश्किल। सत वचन से हमारे कान भरेंगे तो हमसे दुष्ट कर्म होना मुश्किल। सुंदर दृश्य का दर्शन, प्रकृति का संपर्क, तुम्हारे में से दुष्ट विचार चले जाएंगे, दुष्ट भावनाएं चली जाएगी और प्राकृतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक जीवन तुम्हें पता नहीं कितनी सरलता, सहजता, मौलिकता, प्रेम, आनंद, उल्लास सबके पास है, सबके पास निजानंद। आज शाम को जो मैं राग बजा रहा हूं उस राग का नाम है कल्याण। शंकर का पर्याय, शंकर का अर्थ है, शंकर का अर्थ है कल्याणकारी, शिव का अर्थ है कल्याणकारी क्षेत्र। कल्याण का अर्थ होता है जीवन का आनंद, न व्यक्ति पर आधारित है, न परिस्थिति पर आधारित है, न चीज वस्तु पर आधारित है। चीज वस्तु पर जो आधारित आनंद है, चीज वस्तु पर जो आनंद आधारित प्रसन्नता है, आनंद है, तुम उसे मजा कहते हो। चीज वस्तु यहाँ वहाँ होने से, व्यक्ति का वर्तन यहाँ वहाँ होने से, परिस्थितियों में बदला हटाने से तुम्हारी शांति फुस, तुम्हारा आनंद फुस, तुम्हारी प्रसन्नता फुस, तुम्हारे मुख से हास्य गायब, तुम्हारे जीवन से मस्ती गायब। ये भारत की खोज, जहाँ पर तुमने जन्म लिया, ये हमारे ऋषियों की परम संपदा वारसा में हमें मिली है। निज अर्थात मैं स्वयं, निज का आनंद, अपने का आनंद, मैं सदा मेरे साथ, मैं सदा मेरे साथ, तुम सदा तुम्हारे साथ और हम सदा हमारे साथ। ना तुम यहां गायब होगे, ना मैं यहां गायब, शरीर चला जाएगा शरीर, लेकिन भीतर की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो आगे अपना रूप लेती ही जाती है, रहती ही जाती है। निजानंद अर्थात स्वयं का आनंद, जिसे किसी पर भी आधारित नहीं। तुम ये सिंहासन मेरे पास से ले लो, ये वस्त्र मुझे दिया है अंजू ने, अन्नपूर्णा, जिसका अन्नपूर्णा पटेल, अन्नपूर्णा धनवंतरी पटेल, इसका प्रेम तो उसने मेरे लिए, दोनों ने कि नहीं नहीं आप ये इस तरह का पहनो, तो ठीक है मैं पहन लिया, तुम ले लो, लेकिन लेना मत, क्योंकि इसका कोई और दूसरा उपयोग नहीं कर पाएगा। ये जो मेरी टोपी है अर्चना ने बनाई, ये सच्चे हीरे है। अब जो कि हीरो की टोपी पहनकर मैं बैठा हूं, ये अर्चना ने बनाई। लेकिन ये तुम मुझसे छीन भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। वही बात मैं तुमसे कहता हूं, अगर मुझ में फर्क नहीं पड़ता तो तुम मुझसे क्या कम हो? राजू क्या मुझसे कम है? धनजी क्या मुझसे कम है? हेमंत क्या मुझसे कम है? हरेश क्या मुझसे कम है? चिंतन क्या मुझसे कम है? तुम मुझसे ज्यादा हो, कम नहीं। अगर मुझे निजानंद मिल सकता है तो तुम्हें नहीं मिल सकता। हम सब परमात्मा के पुत्र, मैं कहता हूं हम सब परम समृद्धिवान परमात्मा के पुत्र है, हम सब ऐसे ही समझो, ताकि जब हम बड़े हो तो हम स्वयं परमात्मा हो जाए। कहां खोज रहे हैं परमात्मा को, जो हमारे भीतर है। हम स्वयं परमात्मा के पुत्र, मनुष्य का पुत्र मनुष्य होता है, परमात्मा का पुत्र बड़ा होके परमात्मा हो जाएगा। इतना सिंपल धर्म, सिंपल है। कॉम्प्लिकेशन मीन्स माइंड, सिंप्लिसिटी मीन्स आत्मा, समझ। ये समझ है धर्म की। धर्म कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता। धर्म इसलिए कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है
कि हम माइंड से धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, माइंड से कि इस सूत्र का अर्थ क्या होगा, गलत नहीं, लेकिन यहाँ पर जीवन समाप्त नहीं, तो माइंड से समझ नहीं पाओगे परमात्मा को। इसलिए मैंने दिव्य कला की खोज की, दिव्य संगीत। मैं डरूंगा नहीं अगर कोई संगीतकार कहेगा हरि प्रसाद चौरसिया कहेगा कि आपकी बांसुरी में आप ध ठीक नहीं बजा रहे हो, मैं कहता हूं कोई बात, जिसे ध गलत लग रहा है वो मुझे न सुने, मैं ऐसा संगीत गा रहा हूं तुम्हारे आगे बजा रहा हूं। शास्त्रीय संगीत डजंट मीन द माइंड, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद द स्टेज प्रोग्राम कंसर्ट ओनली, इट इज मोर बियॉन्ड इट, बहुत आगे है, इससे बहुत कुछ आगे, बहुत कुछ आगे। ये कल्याण, आज का राग है कल्याण। मेरी भावना है कि बांसुरी सुनते सुनते आप सो, जो समझ सकते हैं मुझे समझो। अस्त व्यस्त समाचार मत देखो रात को, सारी चैनल भड़काने वाले समाचार। मैं तुम्हें पूछूंगा, तुमने देखा, तुमने अपनी आंख से हत्या देखी, कोई व्यक्ति के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि ये व्यक्ति ने हत्या की, मैं समझदार लोगों को पूछूंगा कि तुमने अपने आंख से हत्या देखी, तो उसे गाली मत देना। जब तक तुमने नहीं देखा, कितना पॉलिटिक्स है, गंदा पॉलिटिक्स तुम भी जान रहे हो, निकल रहे हो, अच्छा है। दुनिया का कोना कोना जीना है, कोना कोना, घबराना नहीं, तुम और तेजस्वी होगे, तुम मेरे एक एक शब्द को समझ लोगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तुम अपनी आंखों के देखे बिना, अनुभव के देखे बिना डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ऊपर आधारित मत रहना, ताकि तुम्हारे कान में गलत चीज जाए नहीं, अनिष्ट आत्माएं तुम्हारे पीछा करे नहीं, तुम्हारे जीवन को नष्ट न करे, इसका देखभाल करने की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, तो मुझे सहाय करना। ऐसी चीजों पर ध्यान ही मत दो रात को। मुझे ना सुनो, हरिप्रसाद चौरसिया को ही सुनो। मैं कहूंगा सुनो हरिप्रसाद चौरसिया का चंद्र कौं, सुनो अद्भुत राग, हरिप्रसाद चौरसिया का बागेश्री सुनो, हरिप्रसाद चौरसिया का आभोगी सुनो, दुर्गा सुनो, मालकों सुनो, सुनो, ये सुनते 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 सो जाओ। मेरे आप सब बच्चे हो, मैं आपका पिता भी हूँ, रक्षक भी हूँ, और आपकी माँ भी हूँ। जिस तरह से माँ अपनी गोदी में बच्चे को सुलाती है, हालरणा गा के अपनी गोद में सुला देती है, बच्चा रोता है तो, इसी तरह से वही भाव से मैं रात को बांसुरी सुनाऊंगा मेरे बच्चों को, कि तुम बांसुरी सुनते सुनते दिए के प्रकाश का दर्शन करो। दिए का प्रकाश ओझल हो गया, दिए का प्रकाश चला गया, आर्टिफिशियल लाइट एक्साइटमेंट पैदा करेगी, चिंता, तुम्हारे चिंता भय दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा का कारण है, तुमने दिए का दर्शन छोड़ दिया। और दिए का दर्शन भी अवैज्ञानिक, मैं देखता हूं मंदिरों में लाइट चालू है और दिया, तो फिर दिया किया ही क्यों, लाइट ही काफी है। दिए का प्रकाश है तुम्हारे आत्मिक प्रकाश को जगाने की टेक्निक है, ये दिव्य कला है, टेक्निक तकनीकी है, कि बार दिए का दर्शन तुम करोगे तुम्हारी आंख में पड़ेगा, इसके साथ तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगेगा अपने आप, दिए का प्रकाश तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा, विश्रांति की ओर ले जाएगा। रात को सो उससे पहले कम से कम, जब ठंडी मौसम है, अपने शयन खंड में जहां फैन की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही सो सकते हो, ऐसे शयन खंड में ठंडी की मौसम में एक दिया कर दो, ताकि अनिष्ट आत्माएं तुम्हारे शयन खंड से विदा हो जाए। तुम्हारे स्वप्नों से पता चलेगा कि कितनी उच्च कोटि की आत्माएं तुम्हारे आसपास है। मैं इसका विज्ञान बताता जाऊंगा, निद्रा का विज्ञान, या अनिष्ट आत्माओं से तुम गिरे हुए हो। एकमात्र दिया ठंडी मौसम में, इसका विज्ञान, क्योंकि दिए के प्रकाश में कीड़ा मरना नहीं चाहिए, कीड़ा, और गर्मी से आप तकलीफ में भी नहीं आने चाहिए, ये भी इतना ही जरूरी। लेकिन एक दिए का प्रकाश तुम्हारे शयन खंड को प्रज्वलित कर देगा, उसका दर्शन करो,
बांसुरी को सुनो, संतूर को सुनो, शिव कुमार शर्मा दिव्य कलाकार। इसका जो संगीत है तुम सुनना जरा, उसने जो राग बजाए हैं, मैं तुम्हें नाम देता हूँ, शिव कुमार शर्मा, संतूर के आर्टिस्ट, और संतूर बहुत डिफिकल्ट वाद्य है ये, उसने अपने आप खोजा, अपने आप दिव्य चेतनाओं की मदद से उसने खोजा ये इंस्ट्रूमेंट, उसने ठीक किया कि इसमें भारतीय क्लासिकल बजाया जा सकता है। सुनना ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ संतूर शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। इसका जो संतूर है, सुनते सुनते आप निद्रा में जाओ, तुम देखो ये प्रयोग आप कम से कम 15 मार्च तक करो। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसे मैं ये प्रयोग बताता हूँ। जब तुम्हें मेरी बांसुरी अच्छी लगती है सुनने की, वो ही सुनो, ये सेकंड नंबर दो, मैं कहूँगा इसका रहस्य। अगर तुम्हें मेरी बांसुरी से संतोष है तो मुझे ही सुनो रात को, मैं मेरा प्रचार कर रहा हूँ, सब करता है ना अपना प्रचार, इसी तरह से मैं कहता हूँ तुम मुझे ही सुनो अगर मेरी बांसुरी से संतोष। लेकिन तुम्हें लगता है ना तुम्हारी बांसुरी, तुम हो कौन, कौन सी विद्यालय में तुमने बांसुरी सीखी, तुम्हारे गुरु कौन रश्मि, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सीखी, कहाँ सीखी तुमने, ऑक्सफर्ड की स्टूडेंट हो, हम तुम्हारी बांसुरी नहीं सुने, कोई बात, हरिप्रसाद, हरिप्रसाद सुनो, सुनो उसे। आगे का न्यूज जयमल सिंह जी के लिए कच्छ कि कैसे न्यूज होने चाहिए, ये दिव्य जगत के न्यूज देखो, मैं थोड़ा सा दिव्य जगत अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन देखना तुम, मैं जाने से पहले बहुत कुछ कर जाऊंगा इस पृथ्वी पर मेरे बच्चों के लिए, चिंता है ना, मैं बाप हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए इस जगत में, कोई गुंडा उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता, हाथ क्या देख भी नहीं सकता, ऐसे वीरों से भरा है ये पूरा विश्व। एक और समाचार, दिव्य समाचार है कि नहीं, तुम नक्की करना, अधर्वेणु नाम है राधे, जो बांसुरी बना रहे हैं, बांसुरी बना रहे, सूरत का ग्रुप है एक अधर्वेणु नाम से, उसका नाम, व्यक्ति का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन नाम ही तुम देखो, काम देखो क्या, बांसुरी बनाना, तुम बांसुरी बांस की, ये देखो बांसुरी, अब इसमें है क्या, लकड़ी की खाली बांसुरी है ये, छे छेद इधर एक छेद इधर, लेकिन जो जानते हैं बांसुरी को उसे पता है थोड़ा छेद यहाँ की वहां हुआ गई बांसुरी, रश्मिन नहीं सुनेगा, व्यास मुनि जी नहीं सुनेंगे, उज्जवल नहीं सुनेगा, पता चल जाएगा कि इसके स्वर ठीक नहीं है। ऐसे तो अनेक लोग, बहुरत्ना वसुंधरा, ऐसे अनेक लोग बांसुरी में थोड़ी गड़बड़ हुई, ये लोग कहेंगे ना राग ठीक नहीं था, मुंह बिगाड़ेंगे तुरंत। ऐसी बांसुरी बना रहे हैं, ये किस दिव्य चेतना की प्रेरणा होगी, चलो तुम कह सकते हो। मैं कहता हूं बांसुरी इस पृथ्वी पर सबसे पहले विष्णु भगवान ने बजाई पृथ्वी पर, मैं धीरे धीरे इसके रहस्य कहता हूं। अब एक व्यक्ति बांसुरी बनाने जा रहा है, तुम समझ भी नहीं सकते, मान भी नहीं सकते कि इसके पीछे कौन सी दिव्य चेतनाओं का हाथ होगा। और तुम देखो क्या कम है, आज का जमाना हम कहते हैं पाप से भरा हुआ, कौन सा पाप, चलो मैं न्यूज बोल रहा हूं, तुम किसे महत्व दे रहे हो, तुम किसे, चलो अधर्वेणु राधे जो है सूरत गुजरात का ग्रुप, वो बांसुरी भेंट कर रहा है मुझे, ये बांसुरी की कीमत कम से कम 8,000 रुपया होगी मेरी दृष्टि से, 7-8 हजार रुपया की बांसुरी तुम किसी को भेंट कर रहे हो, वो अभी इतने मुझे मिले भी नहीं, भेंट कर रहे हैं ये राधे, जिसके सदस्य हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्य है, हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास से उसने बांसुरी का ज्ञान लिया, बजा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, समझ रहे हैं उसकी कला, अब वो मुझे बांसुरी भेंट कर रहे हैं, उसकी कीमत ये तो मैं ऐसे ही लौकिक रूप में तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा चित लौकिक है, तो मैं 7-8 हजार कहूंगा तो ही तुम्हें पता चलेगा कि 7-8 हजार की बांसुरी ऐसे ही दे दी, ऐसे ही दे दी, और मैं नहीं कहूंगा कि ये मुझे मिली, ये मिली नटराज
दिव्य कला मंदिर को। ये बांसुरी पर मेरा अधिकार नहीं, रश्मीन चाहे कि मुझे ये बांसुरी देखनी है, बजानी है, तुम बजाते हो तो मैं कुछ और करूँगा। मैं तुम्हें एक तैयारी कर रहा हूँ दिव्य कला के लिए, लेकिन ये न्यूज़ हमारे दिव्य साम्राज्य के न्यूज़ कैसे होने चाहिए इसका मैं आदर्श रूप तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। मुझे धर्म प्रैक्टिकल चाहिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल्स। जीवन में समझ चाहिए, जीवन में परिणाम चाहिए। विषय था गायन, बांसुरी और परमात्मा, अर्थात तुम्हारा हृदय चक्र, अर्थात तुम्हारा भाव शरीर, स्त्री का भाव शरीर। स्त्री में गर्भाशय, बच्चे को धारण कर सकती है, उसे जन्म दे सकती है, उसका भाव शरीर पुरुष के भाव शरीर से अनेक गुना ऊंचा, बहुत सहजता से भाव शरीर शुद्ध होते ही प्रेम मित्रता करुणा विस्तार का अनुभव स्त्री जल्दी कर सकती है, मैं तुम्हें कहूँ, और करना ही है। जिस दिन स्त्रियों के भाव शरीर जागने लगेंगे, इस पृथ्वी पर दुष्टता संभव नहीं। कोई दुष्ट, आखिर हर एक व्यक्ति आया कहाँ से है, मैं तुम्हें कहूँ, चाहे वो पिशाची काम कर रहा है, चाहे वो सुंदर धर्म का काम कर रहा है, उसका स्रोत कौन? माँ। शंकराचार्य आए कहाँ से? शंकराचार्य, माँ। कृष्ण आए, चलो कृष्ण कहाँ से आए? जिसे हम कहते हैं अवतार, कहाँ से आए? माँ से। जिस दिन स्त्रियों की भाव शरीर की समझ बढ़ती जाएगी, भावात्मक शक्ति की समझ बढ़ती जाएगी, दिव्य साम्राज्य केवल तभी संभव है। ये जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ जगत की समझदार स्त्रियों से कि आप मुझे समझते जाओ, सुनते जाओ और दिव्य कर्म फैलाने हैं इस जगत पर। सत्कर्म, जो समय है हमें मिला हुआ दिन है, वो हमें गलत कर्मों में नहीं बिताना है। जितना सत्कर्म हो, सत्य बीज है, वो उगेगा ही उगेगा। दुष्ट कर्म, असत्य, असत्य नहीं उगेगा इस पृथ्वी पर, वो तुम्हें डुबा देगा। तुम्हें बचने का एक ही उपाय है, सत्कर्म, जो हाथ में समय है। मैं समाप्त कर रहा हूं आज की वाणी एक रचना के साथ। उससे पहले एक धुन आप फॉलो करोगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, हो तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, हो तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। रश्मिन नेम ऑफ द राग। व्यास मुनि मधुमाद सारंग मेघ और मधुबाद निसारे म पनीसा निसारे म पनीसा सानी पम रे निसा। शब्द सुनना मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, जगा रहा हूँ तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, भाव शरीर। भाव से भरो, प्रेम से भरो, आनंद से भरो, उल्लास से भरो। ये मेरी भेंट वसीयतनामा लिख रहा हूँ बच्चों के लिए, पूरा विश्व। माटी कहे कुंभार को तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो। माटी कहे कुंभार को तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है, मैं रोंदूंगी तो है। किसकी रचना है? यस, संत कबीर। संत का अर्थ है जो सत्य हो गया, बचा ही नहीं। या मैं हूं या सत्य है, दोनों साथ में रह नहीं सकते। उसकी ही बात है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कबीर कहते हैं या सत्य होगा या मैं होऊंगा। जिष्ठ सत्य, जो सत्य हो गए उसकी हम एक रचना ले रहे, वो हमें क्या संदेश दे रहे, वो हमें क्या संदेश दे रहे। एक एक लाइन सुनना। और ये जो गाया है, ये राग है पहाड़ी, ये गाया है विदुषी, विदुषी स्त्री। विदुषी का अर्थ है विद्वान स्त्री। जैसे बैठी है तानपुरा लेके, तुम्हें ऐसा ही लगे जैसे माता सरस्वती, ऐसी एक विदुषी से मैं तुम्हें परिचय करवाऊंगा जो अभी है, दर्शन करना है। डॉक्टर प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे की आवाज, राग को न्याय देना, किस तरह से राग को प्रकट करना है। कभी वो पूना की जो म्यूजिक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, डायरेक्टर थी, और आज भी आप उसका स्वरूप देखो, उसके माथे में आप डाई नहीं देखोगे, आर्टिफिशियल काले बाल नहीं, सफेद बाल ही, स्टेज प्रोग्राम। और इसके बहुत से चाहक मैं भी, कि प्रभा अत्रे का दर्शन मात्र विदुषी स्त्री देखे। मैं बताता हूँ, आइडियल मॉडल देखो तुम, एमएस सुबालक्ष्मी के तुम कंसर्ट देखो, म्यूजिक के कंसर्ट देखो, वो गा रही है, सफेद बाल, कोई डाई नहीं, आर्टिफिशियल डाई नहीं। उसके काम है, मैं बताता जाऊंगा ये लोगों के काम, शास्त्रीय संगीत में जो प्रभा अत्रे का काम है, ये मैं ही समझ सकता हूँ कि उसने क्या काम किया है। विदुषी स्त्री अभी भी कर रही है, करती जा रही है, संगीत का जीव है, गांधर्व लोक से जुड़े हुए जीव है, ये सब सामान्य नहीं। ऐसी एक विदुषी स्त्री लक्ष्मी शंकर। आपने नाम सुना होगा पंडित रविशंकर, जो सितार के बहुत
जबरदस्त आर्टिस्ट, उसके जैसे सितार ना कोई बजाया है अभी और ना कोई बजा पाएंगे। इतनी सुंदर सितार पंडित रविशंकर, इसकी भाभी, ये कथक की नृत्यांगना थी, कथक की नृत्यांगना एक समय में, बंगाली फैमिली। और इसके पैर में ऐसी तकलीफ होगी, हो जाती है हर नृत्यकार के पैर लास्ट समय में ढचक मचक, पैर नहीं उठते, क्योंकि इतनी कथक मैंने सौ सौ घुंघरू बांध के उसका मजा लिया है थिरकन का, फिर गए घूंटण बस, तो अब लेना भी नहीं है आगे। लेकिन उसने उपयोग कैसा किया, उसके पैर चले गए, संगीत में डूबी, संगीत लिया हाथ में, ये इसका कंपोजिशन है। उसे वंदन करके, ये गांधर्व लोक का जीव जो आप सुनोगे हर रात बांसुरी में, मैं संपर्क करूंगा, तुम्हें भी सिखाऊंगा किस तरह से चंद्रलोक का संपर्क करना है, आह्वान करना है, आमंत्रण देना है, आप आओ पृथ्वी पर शांति फैलाओ, हमारे में क्या कमी है, काम सौंपो हमें, हम करेंगे आपका काम। गांधर्व लोक के जीव को कहो, उसकी प्रेरणा से ही मैं बांसुरी बजा रहा हूँ कि हम आएंगे, तुम उठाओ खाली बांसुरी, ये प्रयोग मैं बताता हूँ, समझाता जा रहा हूँ तुम्हें। इसके साथ जुड़ा हुआ जीव लक्ष्मी शंकर ने शरीर छोड़ा, कहाँ गई होगी पंडित जसराज, चलो शरीर छोड़ा, तुम्हें पता है कहाँ जाते हैं ये जीव, गांधर्व लोक। पंडित जसराज कोई भी राग विष्णु की प्रार्थना से प्रारंभ, मैं ये जो संगीतकार है उसका जो रचना का सिलेक्शन है, जो गाते हैं प्रार्थना, ऐसी वैसी अस्त व्यस्त रचनाएं तुम सुनोगे ही नहीं पंडित जसराज के मुख से, ऐसी विदुषी लक्ष्मी शंकर, इसका कंपोजिशन। और कबीर की वाणी, उसमें तो खाली सुनना ही है, उसे उतरने दो कान में और देखो क्या जादू करती है कबीर की वाणी। माटी कहे कुंभार को तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। माटी कहे कुंभार को तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो है, मैं रौंदूंगी तो है। आए है तो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए है तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के सांस को लोह भस्म हो जाए, माटी कहे कुंभार को तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, दुख में सुमिरन सब करे दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को, माटी कहे कुम्भार को तू क्या रोंद मोहे, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए, कबीर आप ठगाइए और ना ठग गए कोई, कबीर आप ठगाइए और ना ठग ये कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। आंखों को बंद कर देंगे, शांति मंत्र में प्रवेश, शांति मंत्र में प्रवेश करें इससे पहले एक स्मरण, मानसिक प्रक्रिया। कल रात का भोजन आपने किस तरह से लिया? भोजन से पहले और भोजन के बाद में शांति मंत्र किया? कल रात के रात्रि भोजन में आपकी भाव दशा, आपका मूड कैसा था, कौन सा था, विधायात्मक या नकारात्मक? कल रात्रि का भोजन आपने शांति से लिया, मौन अवस्था में लिया या बातें करते करते? रात्रि का भोजन आपने लिया इससे पहले भूख की संवेदना का दर्शन किया? जब आपका भोजन समाप्त हुआ आपने संतोष की संवेदना का दर्शन किया? कल रात्रि भोजन दरमियान आपके भीतर स्वाद का लोभ कितना था, स्मरण करो। कल रात्रि भोजन दरमियान आपके भीतर स्वाद का लोभ कितना था? आपने जो भोजन लिया वो स्वाद के लोभ के कारण जरूरत से ज्यादा लिया या स्वाद अच्छा न लगने के कारण
शरीर की जरूरियात थी लेकिन आपने भोजन कम लिया। भोजन के बाद आपने प्रसन्नता का अनुभव किया या बीमार अवस्था का, बुझी बुझी अवस्था का, बोझिल अवस्था का स्मरण करो। हम सब एक साथ प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र में मेरे साथ। आपके दोनों हाथों से नमस्कार मुद्रा बनाए, नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें छाती के मध्य केंद्र के पास, दोनों अंगूठों का स्पर्श छाती का मध्य केंद्र, दोनों हाथ की हथेलियों के स्पर्श का अनुभव करो। परमात्मा के साथ संपर्क बनाने की अद्भुत प्रक्रिया प्रणाम नमस्कार वंदन की प्रक्रिया। आपके दोनों कानों के द्वार पूरे खोल दे, शांति मंत्र का अर्थ गठन पूर्णता से श्रवण करे। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो शांत हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो शांत हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त अशुद्ध अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो शांत हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का परम शांति का अनुभव करते रहे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स। कोई भी जल्दबाजी न करे, आंखों को खोले, बहिर्जगत से संपर्क बनाए, प्रणाम की मुद्रा बदले अंजलि मुद्रा में, भिक्षा पात्र परमात्मा से मांगे। हमारे बाहर हम सदा परम शांति का अनुभव करते रहे, शांति को फैलाओ पूरे विश्व में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा राइट हैंड की ज्ञान मुद्रा टच करे, दो भ्रमर के बीच स्पर्श करे। तीसरे नेत्र को प्रज्वलित करने की विधि समझे, स्पर्श करे, स्पर्श पर ध्यान दे। आपका पूरा हाथ खोल दे, मैं आपके समक्ष पूरा हाथ टच करे साइड में से तीसरे नेत्र के क्षेत्र को। आपका राइट हैंड ऊपर उठा ले, आपकी खोपड़ी के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर नाग की फेण, पांच फेणों वाला, सात फेणों वाला नाग प्रक्रिया समझे। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क की विद्युत को शुद्ध करने की प्रक्रिया परिचय बनाए। कोई भी अनिष्ट तत्व आपके आसपास रह नहीं सकता, ना अनिष्ट प्रेरणा, ना अनिष्ट विचार, ना अनिष्ट भाव। धीरे धीरे राइट हैंड पीछे ले जाए, चेहरा सीधा रखे,
गर्दन तक ले जाकर फिर से एक बार छाती के मध्य केंद्र के पास परमात्मा से संपर्क बनाती हुई प्रणाम नमस्कार वंदन की पावन मुद्रा धारण करें। अस्तु, आरती से समापन करेंगे। रश्मिन आ जाए गंट पर, उषा आ सकती है, मैत्री, हरेश, चिंतन, आरती, बच्चों के साथ आए। आराम से पग खोली ने उबा थवान, पग खोली दियो। नजीक आवा दी बोले लेकिन नजीक आवा, चिंतु नजीक आवा।